नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और मैं अरविंद शुक्ला आपके सामने फिर से आ गया हूँ। फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, फटाफट जुड़ जाइए भाई, सब लोग फटाफट जुड़ जाओ, जिससे क्लास क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, क्लास क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट है, गुड। और हम लोग अब अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ठीक है, आवाज भी आ रही है, एक बार आवाज भी चेक कर लेते हैं और फिर अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स क्रैक बैंक, क्रैक बैंक के साथ, किसके साथ, लेट्स क्रैक बैंक। ठीक, तो बस 1 मिनट और समय दे दीजिए, 1 सेकंड। हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को, मेरा नमस्कार है। मैं अरविंद शुक्ला आपके सामने फिर से आ गया हूँ अपने जनरल अवेयरनेस बैंकिंग और फाइनेंस की क्लास लेके। और जो शाम का सेशन हमारा चलता है वो हम लोग कवर कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ का बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। और इसी वीक के लास्ट से मैं आपके साथ आ जाऊंगा, क्या लेके, मैं आपके साथ लेके आ जाऊंगा टॉपिक 22 क्लास शाम को बैंकिंग अवेयरनेस की और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। और उसी समय बजट भी आने वाला है, तो हम पहले कंसेप्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे और उस पे बेस्ड करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात आपसे करें क्या नाम अपनी क्लास की, अरविंद शुक्ला सर की, तो अरविंद शुक्ला सर अब आपके लिए अवेलेबल है मॉर्निंग 8:30 फॉर करंट अफेयर्स और 5 PM फॉर आपके लिए बैंकिंग फाइनेंस की क्लास लेके। ठीक, सो फटाफट जुड़ जाओ भाई, रेडी, फटाफट जुड़ जाओ। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो फटाफट जुड़ जाएं। कैसे जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ जाएं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम है। वहां पे हम आपको देते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देते हैं हम, वहां पे आपको प्रोवाइड कराते हैं क्विज सीरीज। और अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जैसे अभी आपने देखा होगा आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बैच भी वहां पे अवेलेबल है। बस आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको याद रखना है कि आपको यूज करना है मेरा मेरा कोड, और मेरा कोड है ARS50। क्या है, ARS50। और उस पर आपको मिलेगा एक लवली डिस्काउंट, क्या मिलेगा, एक लवली डिस्काउंट आपको तुरंत फटाफट मिल जाएगा। तो फटाफट जुड़ जाइए। अनिल नवल सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है, वेलकम। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपसे मेरा डिस्कशन हुआ भी है, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन का लेवल है वो एग्जाम को मैच कर रहा है। जितने भी बड़े एग्जाम आ रहे हैं पीओ के मेंस के लिए, उन सभी में इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे मीट करेंगे। और अगर आप पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क अपने आप आसानी से हो जाएगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सिलेक्शन दिलाने में सक्षम और कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। रिवाइज सोलर कैपेसिटी एडिशन टारगेट अंडर प्रधानमंत्री किरण ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, कुसुम। सरकार ने क्या नाम दिया, कुसुम, क्या नाम दिया, कुसुम, पीएम कुसुम योजना। क्या है, पीएम कुसुम योजना। ठीक है, पीएम कुसुम स्कीम इज 30.8 गीगावाट बाय 2022। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि इस स्कीम के तहत 2022 तक का जो टारगेट है वो 30.8 गीगावाट है। क्या है, गीगावाट है। व्हाट इज द अर्लियर टारगेट, यानी इसके पहले ये टारगेट क्या था, इसको रिवाइज किया गया है, संशोधित किया गया है, इसके पहले क्या था टारगेट। तो हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। अनिल नवल सर हैं, ठीक है, गुड। तो हम लोग हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत संशोधित और क्षमता संवर्धन लक्ष्य 2022 तक 30.8 गीगावाट है। पहले का लक्ष्य क्या था, तो पहले हम बता दें जो टारगेट लिया गया था वो लिया गया था 25.75। कितना लिया गया था, पहले जो टारगेट लिया गया था वो 25.75 लिया गया था, यानी 25.75 गीगावाट टारगेट लिया गया था। लेकिन अब गीगावाट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 30.8 गीगावाट कर दिया है। कितना कर दिया गया है, 30.8 गीगावाट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, जो इसका आंसर है वो डी है। और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह, हैज रिवाइज द सोलर कैपेसिटी एडिशन टारगेट अंडर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम स्कीम फ्रॉम 25.75 गीगावाट टू 30.8 गीगावाट बाय 2022। यानी जो एमएनआरई मंत्रालय है, एमएनआरई मंत्री जिनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह है, इन्होंने
कुसुम योजना के तहत जो सौर ऊर्जा का टारगेट है वो 30.8 गीगावाट कर दिया है 2022 तक, जो पहले 25.75 गीगावाट था। ठीक है, आगे बढ़े। और इसके लिए जो पैसा दिया गया वो 34,000, सरकार की तरफ से जो एलोकेटेड फंड है वो कितना है, 34,035 करोड़ ओनली। कितना है, 34,035 करोड़ ओनली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो ये रहा, अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, NAIF, किसकी बात हो रही है, NAIF की बात हो रही है। ठीक, किसकी बात हो रही है, NAIF। तो अंडर द NAIF बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड गिव 1 लाख करोड़ लोन कवर अ पीरियड ऑफ, राष्ट्रीय कृषि इंफ्रा फंड के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान कितने समय के लिए, 1 लाख करोड़ का ऋण देंगे। तो ये जो टारगेट लिया गया है ये 4 साल का टारगेट लिया गया है। कितने साल का टारगेट लिया गया है, 4 साल, यानी अगले 4 साल में, कितने साल में, अगले 4 साल में 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ खर्च करने का क्या किया गया है, टारगेट लिया गया है। क्या किया गया है, टारगेट लिया, किसके थ्रू, नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के थ्रू। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें कोई अगर 2 करोड़ रुपए तक, कितने करोड़ तक, 2 करोड़ तक की अगर बात करेगा तो वहां पे 3% का क्या है, पर एनम सबवेंशन है, यानी थोड़ी सी क्या आएगी, कमी आ जाएगी, 3% की उसको रियायत मिल जाएगी। कितने करोड़ तक पे, 2 करोड़ तक पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया है वो क्या लिया है, 1 लाख करोड़ को खर्च करना है, किसके थ्रू, NAIF के थ्रू करना है। और ये अनाउंस किया है मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर इन मई 2020 में ये अनाउंस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, अनाउंस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको एक बात और बताना मैं भूल गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कुसुम योजना, तो कुसुम जो योजना है कौन सी है, कुसुम योजना है जो पीएम कुसुम योजना, ठीक, पीएम कुसुम योजना है जो, ठीक है, पीएम कुसुम योजना है, इसके तहत 4 घटक हैं। कितने घटक हैं, 4 घटक हैं, 1, 2, 3 और 4। जैसा पहला घटक है सौर पंप, क्या है, सौर पंप, ठीक, इससे पानी निकलेगा। दूसरा है ट्यूबवेल, क्या है, ट्यूबवेल है। तीसरा है सौर ऊर्जा कारखाने, तीसरा क्या है, सौर ऊर्जा कारखाने, ठीक है। और चौथा है वर्तमान पंपों का अधिकरण, चौथा क्या है, जो वर्तमान पंप है, वर्तमान पंप है, इनको भी सौर में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी आधुनिकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आधुनिकरण किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ओके, समझ में आया। तो पीएम कुसुम योजना की बात कर रहे थे, 4 घटक हैं, कितने घटक हैं, 4 घटक है, ठीक। और इसे लॉन्च किया था फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने, पहले सीतारमण के पहले कौन थे, अरुण जेटली जी थे, कौन थे, अरुण जेटली जी थे, उन्होंने इस स्कीम को क्या किया था, लॉन्च किया था अरुण जेटली साहब ने, यानी ये कौन थे, पूर्व वित्त मंत्री, क्या थे, पूर्व वित्त मंत्री थे, उनके समय में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और अगर आज बात करें तो इसके लिए जो टारगेट है वो 30.8 गीगावाट 2022 तक कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, डन। और इसके लिए 34,035 करोड़ रुपए, 34,035 करोड़ रुपए का खर्चा दिया गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहां पे आते हैं, 3 पे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिसेंटली ब्रॉट ऑल लाइसेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ, कौन सा ईयर है, तो उन्होंने ये कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में रिसेंटली के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सभी लाइसेंस प्राप्त विद्युत वितरण कंपनियों को लाया गया है। तो किस एक्ट के तहत लाया गया है, फटाफट बताइए, तो उस एक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। किसके अंतर्गत लाया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत लाया गया है। किसके तहत लाया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत लाया गया है, 2021 लिख दिया मैंने, 2001 के तहत लाया गया है। ठीक है, नाउ आगे बढ़े। अभिषेक जायसवाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अभिषेक सर, गुड इवनिंग। आगे बढ़े, नाउ अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी बीटी एंड एसएनटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश ग्लोबल इनोवेशन अलायंस विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटी यानी बायो टेक्नोलॉजी और एसएनटी माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने दुनिया भर में फैले सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और नवाचार
हब के साथ ग्लोबल इनोवेशन गठबंधन की स्थापना की है, तो इसका नाम है कर्नाटका। किसने की है? कर्नाटका ने हाल ही में किसके साथ? ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के साथ एग्रीमेंट किया है। किसके साथ किया है? ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के साथ। किसके साथ? अलायंस के साथ। ठीक है, अलायंस के साथ एग्रीमेंट किया है। क्या फैलाने के लिए? आईटी, बीटी, एसएनटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट को। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट विल साइन 7 MOU। कितने साइन किए हैं? 7 MOU साइन किए हैं विद ग्लोबल अलायंस इनोवेशन अलायंस पार्टनर्स के साथ। ठीक है, GIA पार्टनर्स कंट्रीज विल होस्ट टेक्नोलॉजी सेशन ड्यूरिंग बेंगलुरु टेक समिट विच विल बी वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इन 19 नवंबर टू 21 नवंबर 2020। ठीक है, सो 2020 में जो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु टेक समिट, वहीं पे ये एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी बीटी एंड एसटी हैज एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल इनोवेशन अलायंस विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दीप शर्मा जी आ गए हैं। दीप शर्मा सर थे, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, कर्नाटका इज द राइट आंसर। वेरी गुड दीप सर, योर सपोर्ट इज appreciable। आपका सपोर्ट मेरे लिए appreciable है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस PSU ने एक योजना शुरू की है? निम्नलिखित में से किस PSU ने? PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है जिन कंपनीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग कम से कम 51% और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100% होती है, इसके बीच में अगर रहेगी तो वो कंपनी कहलाएगी PSU। क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस PSU ने एक योजना शुरू की है जिसमें उसके कर्मचारी कम कार्य अवधि चुन सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग PSU हैज इंट्रोड्यूस अ स्कीम इन विच इट्स एम्प्लॉइज विल बी एबल टू चूज शॉर्टर वर्किंग पीरियड, यानी कम समय की ड्यूटी कर सकते हैं। कम समय की ड्यूटी कर सकते हैं भाई, कम समय की ड्यूटी चुनने का अधिकार दिया है। और उस कंपनी का नाम बताइए, तो उस कंपनी का नाम है महारत्न कंपनी है। वो कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। और उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, भारत में कुल 10 क्या है? महारत्न कंपनियां है। 10 क्या है? महारत्न। जैसे आपने सुना होगा NTPC, नाम सुना है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जैसे आपने नाम सुना होगा ONGC, नाम सुना है? ONGC। फिर आपने सुना होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। क्या नाम सुना है? सेल। ONGC का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर आपने सुना होगा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे आपने सुना होगा HPCL। HPCL का मतलब है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। छठवें नंबर पे आपने सुना होगा एक कंपनी का नाम IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सातवें पे आपने सुना होगा BPCL। क्या सुना होगा? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आठवें पे आपने सुना होगा PGCI, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। आठ के बाद आप नौवें पे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। और दसवें पे आपको मिल जाएगी कौन सी? फटाफट बताओ, दसवें पे कौन सी मिल जाएगी? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो टोटल महारत्न कितने हैं? महारत्न कंपनियां 10 हैं। और टोटल महारत्न के बाद आती है नवरत्न। क्या आती है? नवरत्न। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। कितनी है? 14। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को यह सुविधा दी है कि वह अब कम समय की अवधि की ड्यूटी भी चुन सकते हैं। ठीक है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? एक क्या है? महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न। अनिल जयसवाल सर आ गए, 10 महारत्न कंपनी है। वेरी गुड अनिल सर, वेरी गुड, मार्वलस परफॉर्मेंस। ठीक है, और दीप सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अगर शेयर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा सेशन तो शेयर कर दीजिए, और आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए कि स्टैंडर्ड लेवल की अगर पढ़ाई करनी है तो आप मेरे साथ जुड़े। मैं तब तक क्वेश्चन में आगे नहीं भागूंगा जब तक मैं पूरी तरह से समझा ना लूं। एक बार अगर समझा दिया, अब अगर मैंने आपको बता दिया है कि 10 महारत्न कंपनी और 14 नवरत्न कंपनी, तो आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। कितनी महारत्न है? 10, और नवरत्न कितनी है? 14। ठीक है, और कम नौकरी करने का ऑप्शन किसने दिया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। कब से इफेक्टेड है? 1 नवंबर 2020 से। कब से इफेक्टेड है? 1 नवंबर 2020 से ये इफेक्टेड है। कब से? 1 नवंबर 2020 से ये इफेक्टेड है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, TCS नीदरलैंड BV अ सब्सिडियरी ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विल एक्वायर 100% शेयर्स ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी
किस बैंक के वो 100% शेयर ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम को खरीदने जा रहा है? टीसीएस नीदरलैंड खरीदने जा रहा है, जो सब्सिडरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की सहायक कंपनी टीसीएस नीदरलैंड बीबी निम्नलिखित में से किस पोस्ट बैंक सिस्टम के 100% शेयर हासिल करेगा? यानी किस बैंक के पोस्ट बैंक सिस्टम के 100%, बैंक को अधिकृत नहीं कर रहा, वो उस बैंक का एक बिजनेस है जिसे पोस्ट बैंक सिस्टम कहा जाता है, उसके 100% शेयर को वो अधिग्रहित करने जा रहा है और उस बैंक का नाम है ड्यूस बैंक। क्या नाम है? ड्यूस बैंक। क्या नाम है? ड्यूस बैंक। ठीक है, ड्यूस बैंक। और ये ड्यूस बैंक विदेशी बैंक है जो भारत में भी व्यापार करता है, और कहां का है? जर्मनी का। कहां का है? जर्मनी का। अब ये एक्विजिशन जैसे ही हो जाएगा, इस पोस्ट बैंक सिस्टम को जैसे ही टीसीएस नीदरलैंड एक्वायर कर लेगी, वैसे ही इसके लिए एक और सुविधा हो जाएगी कि वो जर्मनी में अपने बिजनेस को और फैला पाएगी। ठीक है, नाउ आगे बढ़े, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। TCS Netherlands BV, a subsidiary of Tata Consultancy Services, will acquire 100% share of Post Bank System AG from Deutsche Bank AG in Germany. TCS is the fastest growing IT service provider in Germany. The acquisition will further strengthen its work in Germany. ये और मजबूती प्रदान कर देगा TCS Netherlands को, और मजबूती प्रदान कर देगा जैसे ये बिजनेस या एग्रीमेंट या अधिग्रहण क्या हो जाता है, एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दीप शर्मा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, नाइस एक्सप्लेनेशन सर जी, अनिल सर ने लिखा है, वेल डन मेरे भाई, बस आप बस 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 यही है, सैल्यूट है आपके लिए। जिस दिन आप पीओ बनोगे, मैं खुद ही से कहते ना, सीना चौड़ा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अलाउड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अप्रूव्ड ड्राफ्ट बैंकिंग रेगुलेशन फॉर बैंकिंग ऑपरेशन एट IFSC। ठीक है, सो उनका बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखो देखने में कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा, अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही, यानी भारत के साथ साथ किसकी बात हो रही, दूसरे देशों की भी बात हो रही। ठीक, अगर ये इंडिया है तो ये दूसरे देशों की भी बात हो रही। ठीक, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा IFSC पर बैंकिंग कार्यों के लिए बैंकिंग नियमों को मंजूरी दी है? ठीक, तो अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है जो इस सिस्टम को, जो इस एग्रीमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक, सो अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समझना बहुत आसान है, समझना, डोमेस्टिक करेंसी अकाउंट ओपनिंग बाय पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देखो वो ये कह रहा है कि कोई विदेशी जो बाहर रह रहा है इंडिया से, वो भारत का डोमेस्टिक करेंसी अकाउंट खुलवाएगा। ठीक, डोमेस्टिक करेंसी अकाउंट तो गलत है। ठीक है, यहां पे होना क्या चाहिए था, फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक, फिर आता है फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनिंग बाय द पर्सन रिसाइडिंग इनसाइड इन इंडिया। अब जो भारत में रह रहा है, भारत में बिजनेस कर रहा है, तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट क्यों खुलवाएगा भाई, तो ये भी गलत है। ठीक, अब क्या कह रहा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनिंग बाय द पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही आंसर है कि आप जो व्यक्ति बाहर रह रहा है, जो व्यक्ति क्या रह रहा है, जो व्यक्ति बाहर रह रहा है वो भारत में खाता खुलवाएगा, कौन सा, फॉरेन करेंसी, फॉर करेंसी अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनिंग बाय फॉरनर्स इनसाइड, नहीं गलत है। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, आंसर सी राइट होगा। अभिषेक जायसवाल ने कहा है ए नहीं होगा, इसका सी होगा, क्या होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यही मैंने भी समझाया आपको। वित्त वर्ष 2021 के लिए 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार सभी करों का कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाए? देखो अब आपको पता है कि अब आता है जीएसटी, पहले स्टेट टैक्स भी आता था, तो अब जीएसटी आता है। जीएसटी में क्या होता है, जो भी पैसा, जितना भी पैसा किसके पास आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो अब इसको ये पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राज्यों को, क्योंकि राज्य सरकार भी तो खर्च करती है कि नहीं करती है, राज्य सरकारों की योजना भी चलती है। ठीक है, तो राज्यों को भी करना पड़ेगा। ठीक, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो अब देखो ये पैसा कैसे कॉन्ट्रीब्यूट हो भाई, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट हो, कितना हिस्सा इनके पास रहेगा और कितना परसेंट इनके पास जाएगा, इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए चलाया जाता है फाइनेंस कमीशन। क्या कहा जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वित्त आयोग। ठीक है, और वित्त आयोग को कहा जाता है कि आप रिकमेंडेशन दीजिए, ये क्या देते हैं, सलाह या सिफारिश करते हैं। क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि कितना परसेंट, कितना प्रतिशत केंद्र सरकार किसको दे, राज्यों को दे, कितना परसेंट केंद्र सरकार किसको दे, राज्यों को दे। सो अनिल नवल ने कह दिया है 41%, बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, 41 इज द राइट आंसर, लेकिन हम लोग पहले वित्त आयोग। ठीक है, सो वित्त आयोग किसको सलाह देता है, केंद्र सरकार को सलाह देता है कि राज्य सरकार के पास कितना परसेंट जाना चाहिए। ठीक है,
समझ में ही बात। तो अभी हाल ही में जो 15वां वित्त आयोग है, एनके सिंह, क्या नाम है उनका, एनके सिंह उसके अध्यक्ष हैं, क्या है, एनके सिंह साहब उसके क्या है, चेयरमैन। और इन्होंने सलाह दी है कि 41% कितना टैक्सों का 41% हिस्सा किसके पास जाना चाहिए, स्टेट्स गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाना चाहिए, ठीक। सो जो नवल सर ने आंसर दिया था, अब से एक सर ने भी जो आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर है। कैसा आंसर है, राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़े, शर्मा सर, दीपक सर, दीप शर्मा जी कहाँ चले गए, दीप शर्मा जी वेलकम, आइए भाई, कहाँ चले गए। सो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। द 15th फाइनेंस कमीशन लेड बाय एनके सिंह हैज सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक। उन्होंने 2021-22 के लिए अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो जो 15वां वित्त आयोग बना है, 15वां फाइनेंस कमीशन है, ये बनाया गया है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ठीक। और इसे या तो ऐसे भी कह सकते हैं 2020-21 से लेके 2025 और 26 तक, ठीक है। तो 5 साल का कार्यक्रम है, कितने साल का है, 5 साल का कार्यक्रम है। और इसके अध्यक्ष कौन है, मैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज रिसीव्ड मैक्सिमम इंसेंटिव अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, उसमें किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा इंसेंटिव लिया है, यानी किस किसको दिया गया है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के तौर पर, प्रोत्साहन है ये, क्या है, प्रोत्साहन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिर रहा होगा उसी को प्रोत्साहित धनराशि दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस सेक्टर को अधिकतम प्रोत्साहन मिला, क्या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, क्या ऑटोमोबाइल्स है, क्या फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम। देखो ये भी सही चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सही चल रहा है, फूड प्रोडक्ट्स भी सही चल रहा, कोविड में ही इफेक्टेड हुआ था, और फार्मास्यूटिकल तो भैया अपनी तरफ से सब सही है क्योंकि कोविड उसी के लिए चल रहा। तो जो सबसे ज्यादा जो गिर रहा था सेक्टर वो था ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक। और इसको क्या दे दिया गया है, पीएलआई दे दिया गया है भाई, क्या दे दिया गया है, पीएलआई दे दिया गया है। और पीएलआई देने से क्या मिलेगा, इसको बूस्टअप मिलेगा, क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। और ये भी क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा जैसे गिर रहा था, क्यों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो लास्ट क्वार्टर के, यानी जो पिछला क्वार्टर था उसमें, पिछले क्वार्टर की जो पिछला क्वार्टर था उसमें इसकी ग्रोथ नेगेटिव चली गई थी, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की, और मैन्युफैक्चरिंग में भी किसकी, ऑटोमोबाइल की, किसकी चली गई थी, ऑटोमोबाइल की, ठीक है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अपने मासिक बुलेटिन में आरबीआई क्या करता है। देखो आरबीआई के अगर आपने कभी फंक्शन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आरबीआई के फंक्शन, तो उसमें एक पॉइंट आता है, आरबीआई पब्लिश इट्स बुलेटिन, मंथली बुलेटिन ऑन फाइनेंस एंड करेंसी, यानी आरबीआई अपना मंथली बुलेटिन जारी करता है किस चीज पे, करेंसी और फाइनेंस। भाई आरबीआई दो ही चीज तो देख रहा है, करेंसी देख रहा है और फाइनेंस, पूरी करेंसी से क्या बनता है, फाइनेंस बनता है। तो अपने मासिक बुलेटिन में आरबीआई द्वारा जारी अर्थव्यवस्था लेख के राज्य में, ठीक है, अब तक के आकलन के अनुसार 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी संकुचन की गति आसान हो गई है, ठीक। सो अब इनने क्या पूछा है, बिल्कुल आसान समझ ली, एज पर द न्यू कास्टिंग नाउ कास्टिंग एस्टिमेशन इन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आर्टिकल रिलीज बाय आरबीआई इन इट्स मंथली बुलेटिन द पेस ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। इनने पूछा है कि जो क्वार्टर होगी, उसमें 2020 और 21 की, ठीक, उसमें जो जीडीपी माइनस यानी संकुचन, यानी क्या होता है, सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना, कॉन्ट्रेक्शन माने क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक, और सिकुड़ना का मतलब ये माइनस में चली जाए तो कितना होगा। तो जो 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी संकुचन है वो आरबीआई ने बताया है 8.6%, कितना बताया है, 8.6%, कितना बताया है, 8.6%, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट क्या थी, RBI has released an article titled as State of Economy, ठीक है, State of Economy. The article is a part of RBI's monthly bulletin for the month of November 2020. यानी देखो पहली बात तो ये समझ लो कि नवंबर 2020 के लिए जो बुलेटिन आया था उसकी, देखो
जब भी आप कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हो, चाहे वो योजना हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, और अगर आप देखेंगे एक और किताब पहले आती थी प्रतियोगिता दर्पण की, जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स आता था, उसमें पूरा रहता था सेक्टर वाइज। सो ऐसी किताब से ये लोग क्या उठाते हैं, जब भी पेपर पीओ का बनाएंगे तो ये लोग उठा लेते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के आधार पर क्या बना देते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स बना के आपके लिए रख देते हैं क्वेश्चन। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप टिक लगा देंगे, ठीक है। तो चाहे आरबीआई ग्रेड बी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, यानी ये पीओ के एग्जाम, चाहे ईसीजीसी का पीओ हो, तो इन सब में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आसानी से पूछा जाते हैं जहां पे आरबीआई ने वक्तव्य दिया। असली फाइनेंस का क्वेश्चन यही होता है, असली जो फाइनेंस का क्वेश्चन होता है वो यही होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स होता है। क्या होता है, करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आप देख रहे होगे आजकल जब कॉल लेटर आता है तो अब लिख के नहीं आता जर्नल अवेयरनेस, अब लिख के आता है कि जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्या लिख के आता है, जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस। और ऐसा 2015 के पहले 13-14-15 में बैंक ऑफ बड़ौदा, और हम पहले की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा पूछता था 2010-11 में, 10-11 में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता था ऐसे, जब इंडिविजुअल एग्जाम होते थे। फिर आईबीपीएस आया तो 2 साल तो पेपर बहुत सरल आया तो आदमी को लगा आईबीपीएस आ गया, खुशी मनाई, धुआंधार, ये वो सब कुछ, और बस तीसरे साल से उन्होंने स्टैंडर्ड पेपर देना शुरू कर दिया, ऑनलाइन भी पेपर हो गया, वहीं पे अटेम्प्ट की संख्या क्या हो गई, कम हो गई बच्चों के, ठीक है। तो आगे बढ़े, द आर्टिकल मेंशन 23.9% डिक्लाइन इन जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, और जो सेकेंड क्वार्टर उसमें 8.6 का कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% का देखते हैं कैसे। गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड 5% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन कंपोनेंट्स ऑफ ओपन सेल फॉर एलईडी एंड एलसीडी टीवीज, ठीक है। तो एलसीडी और एलईडी टीवी के जो भी घटक आएंगे उन पे 5% का क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। द चिप ऑन फिल्म, ठीक है, द चिप ऑफ फिल्म, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली एंड सेल्स, ग्लास बोर्ड्स और सबस्ट्रेटा, ठीक है, आर द कंपोनेंट ऑफ ओपन सेल्स। ये सब इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। गवर्नमेंट हैज इम्पोज 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन दीज सेल, कितने परसेंट की लगा दी है, 5% का। हैप्पी बर्थडे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हैप्पी बर्थडे सेट कर दिया है, क्या कर दिया, हैप्पी बर्थडे सेट कर दिया। और यहां पे हैप्पी बर्थडे को किससे डिनोट करेंगे हम, बी सी डी से, किससे करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, किससे करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फेसिंग लॉस इन महाराष्ट्र, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज फेसिंग लॉस इन महाराष्ट्र, ठीक है, विदर्भ रीजन ड्यू टू ग्रे मिल्डियो, ठीक है। तो ग्रे कलर की फफूंदी, मिल्डियो माने क्या होता है, फफूंदी होती है, क्या होता है, फफूंदी, तो ग्रे फफूंदी की वजह से कौन सी फसल यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में होती है, ठीक है। अब विदर्भ का एरिया जो नागपुर साइड का एरिया होता है, इसे विदर्भ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है, जैसे ये जो है ना महाराष्ट्र, ठीक, यहां से थोड़ा सा एमपी में चला जाता है, तो ये जो एरिया होता है इसे कहा जाता है विदर्भ, क्या कहा जाता है, विदर्भ, ठीक है। ये विदर्भ एरिया है जो मध्य प्रदेश से टच करता है, किससे टच करता है, मध्य प्रदेश से, एक होता है सौराष्ट्र, सॉरी ये एरिया है सौराष्ट्र, ये क्या एरिया है, एक सौराष्ट्र एरिया होता है, एक क्या है, विदर्भ है, ठीक है। सो कर्नाटक मध्य प्रदेश के पास का है, जो कर्नाटक वगैरह, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन सी फसल है, वो फसल कौन सी है, वो कॉटन की फसल है, कॉटन में क्या लग गया है, ग्रे मिल्ड्यू लग गया है, यानी ग्रे फफूंदी लग गई है, क्या लग गई है, ग्रे फफूंदी लग गई है, ठीक है। और यहाँ पे 50% तक की फसल क्या हो गई है, खराब हो गई है, 50% तक की फसल क्या हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, खराब हो गई है, क्या हो गई है, खराब हो गई है, ठीक, आगे बढ़े, क्या हो गई है, खराब हो गई, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉटन क्रॉप इन महाराष्ट्र विदर्भ रीजन आर फेसिंग अटैक बाय ग्रे मिल्डियो या फंगल डिसीज, एक फंगल डिसीज है जिसको वो इसकी चपेट में आ गया है, सामना करना पड़ रहा है। द क्रॉप्स वर ऑलरेडी फेसिंग पिंक वॉल, इसकी चपेट में आ गया है, सामना करना पड़ रहा है। द क्रॉप्स वर ऑलरेडी फेसिंग पिंक वॉलवॉर्म, पिंक यानी गुलाबी बॉलवॉर्म एंड अटैक ऑफ बॉल रोट, बॉल रोट माने होता है सड़न, बॉल रोट माने क्या होता है, सड़न, क्या हो जाता है, सड़ना, ठीक, इसका सामना कर रही है। तो एज पर द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नियरली 50% ऑफ क्रॉप इज बीइंग अफेक्टेड बाय
पैथोगन अटैक्स, यानी जो ये कीट अटैक हैं, इन सबसे यानी जो फसल को नुकसान करने वाले अटैक हैं, कम से कम 50% की फसल क्या हो गई इससे प्रभावित हो गई है, क्या हो गई है प्रभावित हो गई है। ठीक है, ओके डन, समझ में आया, यस और नो? ठीक, तो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, किस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइनेंस मिनिस्टर, आपने नाम सुना होगा वित्त मंत्री का, जिनका नाम क्या है हाल ही में, सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन। और इन्होंने भी हलुआ सेरेमनी लॉन्च की, और हलुआ सेरेमनी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज की, उस समय इन्होंने क्या कहा है कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं यूनियन बजट मोबाइल ऐप। कौन सी? यूनियन बजट मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप के बारे में बता दें कि इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? पेपरलेस, यानी अगर हम बात करें तो पेपर्स की जगह पे आपको पूरे बजट का ब्यौरा इस यूनियन बजट मोबाइल ऐप पे मिलेगा। और इसे लॉन्च किया है एक दिन पहले, क्या नाम है इनका, इसे सीतारमन, क्या नाम है, निर्मला सीतारमन। ठीक, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली टोल्ड बैंक्स टू इंश्योर लिंकिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स विद आधार नंबर बाय। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ही दिनों पहले इंडियन बैंक ब्यूरो IBB की बैठक हो रही थी, और इंडियन बैंक ब्यूरो में उन्होंने ये डिस्कशन किया कि सभी, उन्होंने ये सभी बैंकों को निर्देश भी दिए कि सभी बैंक खाते आधार से लिंक हो जाने चाहिए। बस अब आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो डेडलाइन कौन से दिन की दी है, उन्होंने क्या दी है, उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो डेडलाइन किस तारीख की दी है, तो वो डेडलाइन है मार्च 2021 तक। मार्च 2021 तक बैंकों को, किसको, बैंकों के क्या सभी खाते किससे कनेक्ट हो जाने चाहिए, आधार लिंक हो जाने चाहिए, क्या हो जाने चाहिए, आधार लिंक हो जाने चाहिए, क्या हो जाने चाहिए, आधार से लिंक हो जाने चाहिए, ऐसा कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। कहां कहा है, इंडियन बैंक ब्यूरो, कहां पे कहा है, इंडियन बैंक ब्यूरो, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, IBA में, कहां कहा है, इंडियन बैंक एसोसिएशन में कहा गया। ठीक, सो ड्यूरिंग हर एड्रेस टू 73rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, और इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन, उनका नाम है मिस्टर सुनील मेहता, क्या नाम है, सुनील मेहता साहब, क्या नाम है, सुनील मेहता साहब इसके क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, और अगर हम बात करें 22 चेयरमैन की, किसकी बात करें, 22 की चेयरमैन की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो गोपाल मूर्ति, क्या नाम है, गोपाल मूर्ति, क्या नाम है, गोपाल मूर्ति साहब है, क्या, गोपाल मूर्ति। ठीक है, तो ड्यूरिंग हर एड्रेस टू 73rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, फाइनेंस मिनिस्टर हैज टोल्ड बैंक टू इंश्योर लिंकिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स विद आधार नंबर बाय मार्च 31, 2021। ठीक, सी हैज ऑल्सो टोल्ड बैंक टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट मेथड्स, उन्होंने कहा है कि डिजिटल पेमेंट मेथड को क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, डिस्करेज नॉन डिजिटल पेमेंट्स, और कहीं करो डिजिटल पेमेंट के लिए, और अगर कोई नॉन डिजिटल पेमेंट के लिए आए तो उसको बताना भी पड़ेगा, और अडॉप्ट UPI पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया है, पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस, ठीक, समझ में आई बात। तो उन्होंने, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, मैंने अभी आपको बताया है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो बात करें उसके चेयरमैन है सुनील मेहता और गोपाल मूर्ति भगत, गोपाल मूर्ति भगत इसके उपाध्यक्ष हैं, क्या है, उप चेयरमैन है। ठीक है, सो भारतीय बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियनों द्वारा हाल ही में हस्ताक्षर किए गए 11वें द्विदलीय प्रभावी होगी, यानी एक बात की गई है इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस, यानी जो वेतन इंक्रीमेंट की कि कितने परसेंट बढ़ाया जाए, तो वो IBO और यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। बस क्वेश्चन ये है कि ये कब से कब तक प्रभावी होगा, ठीक है, यानी कब से कब तक के लिए प्रभावी होगा, तो नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। ठीक है, नवंबर 2017 से लेके अक्टूबर 2022 के लिए आगे बढ़े। सो इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड बैंक यूनियन हैव कंक्लूड 11th बायपार्टाइट बेजिस नेगोशिएशंस, ये कंप्लीट हो गए हैं। द नेगोशिएशंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1, 2017 एंड 15% वेजेस हाइक विल बी गिवन टू मोर देन 8 लाख एम्प्लॉइज फ्रॉम 29 बैंक्स। द वेजेस एग्रीमेंट विल कंटिन्यू फ्रॉम नवंबर 27, 2017 टू अक्टूबर 2022। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या सुना होगा, एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज क्या होती हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, यानी साउथ ईस्ट एशियाई देशों का एक संगठन। ठीक, इसको भी समझते हैं। और फिर एक आपने सुना होगा एशिया पैसिफिक कंट्रीज, क्या सुना होगा, एशिया पैसिफिक
कंट्रीज, सुना है ठीक। और एशिया पैसिफिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो एशिया और पैसिफिक यानी जो हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर की कंट्रीज हैं उन्हें कहा जाता है एशिया पैसिफिक कंट्रीज, ठीक है। सो इनका एक शिखर सम्मेलन हुआ है हाल ही में, कहां पे? हनोई में। कहां पे हुआ है? हनोई में। कहां पे हुआ है? और ये कैसा हुआ है? वर्चुअली हुआ है। कैसा हुआ है? वर्चुअली यानी आभासी है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। और यहां पे आर सी ई पी की बात हुई है। क्या हुई है? आर सी ई पी, इन मेंबर्स को कहा गया है आर सी ई पी, ठीक। और इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। कितने? 15 देश क्या है? सदस्य हैं। कितने हैं? 15 देश सदस्य हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 15, ठीक। अब समझते हैं इस मैटर को। तो जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, ठीक है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज है, उनमें कौन कौन सी है? जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड। मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, और इसके बाद करें फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम, ये देश हैं, ठीक। तो अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने अभी हाल ही में आर सी ई पी का जो सम्मेलन है उसमें डिस्कशन किया है, और डिस्कशन को क्या कहा है कि एशियन की समिट में इसको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। अब आर सी ई पी क्या है? रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी क्षेत्रीय कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक माने आर्थिक पार्टनरशिप माने क्या होता है? समझौता, यानी दोनों देशों के साथ या चार देशों के साथ या सभी देशों के साथ आपस में व्यापार। हैज बीन साइंड एंड एट अ रीजनल समिट हेल्ड इन हनोई, ठीक है, हनोई। और हनोई की बात करें तो कैपिटल ऑफ वियतनाम, ये कहां की राजधानी है? वियतनाम की। द सेरेमनी फॉर साइनिंग ऑफ आर सी ई पी वॉज हेल्ड वर्चुअली ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। वियतनाम होस्ट द सेरेमनी। आर सी ई पी निगोसिएशन वर लॉन्च इन 2012 ड्यूरिंग द एशियन समिट इन कंबोडिया। यानी जो आरईसी बना है वो कब बना था? एशियन 2012 में बना था, ठीक है। एशियन समिट हुई थी 2012 की कंबोडिया में, तब बना था। और इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। अब अगर हम एशियन की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस, तो इसका जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता में है। और जकार्ता कहां पे? इंडोनेशिया में। कहां पे? इंडोनेशिया में है। और अगर हम बात करें, क्या बात करें? इंडोनेशिया में है। एक सेकंड रुक जाइए, मेरा सेशन नहीं चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं क्या सेशन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। सो मैं अपना भी सेशन यहां फिर से खोल दूं मोबाइल में। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट ओनली, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, जकार्ता में है। कहां पे है? जकार्ता में है। और जब अगर हम जकार्ता इंडोनेशिया में है, और बात करें तो इसके 10 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिलेड पेमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑर्डर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, सेस एज पर द ड्राफ्ट रूल्स फॉर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। बताइए भाई, बताइए फटाफट। भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार, यानी जो ऐसे वर्कर होते हैं ना, मकान मकान बनाते हैं, जो डेली बेस पे मजदूरी करते हैं, उनके भुगतान में अगर विलंब होता है तो सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के तहत कितना आपको पेनल्टी यानी सेस देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? सेस देना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये सेस 2% था। कितना था? 2%। और अब क्या किया गया है? घटा दिया गया। क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। तो अब 2% से घटा के कितना कर दिया गया है? 1%। कितना कर दिया गया है? 1%। तो आपका आंसर क्या होगा? 1%। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज रिलीज्ड ड्राफ्ट रूल्स फॉर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ऑन 13 नवंबर, ठीक है, 2020 13 नवंबर को ड्राफ्ट कोड जारी किया। द रूल्स ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ BOCW सेस फ्रॉम 2% टू 1% एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, ठीक है, फटाफट। और क्या कहा है? एज पर द ड्राफ्ट रूल द वर्कर्स विल रजिस्टर विद आधार ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस ऑन स्पेसिफिक पोर्टल। और ये वो मजदूर होंगे जो आधार के थ्रू क्या हो जाएंगे? इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे। क्या होंगे? इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे, ठीक। अब देखो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे कहा जाता है FSSAI, क्या कहा जाता है? FSSAI, ठीक है, FSSAI द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति। खाद्य माने होता है फूड, सुरक्षा माने होता है सिक्योरिटी, क्या होता है? सिक्योरिटी। और क्या है इसके बाद? समन्वय कंप्रेहेंसिव कमिटी, ठीक है, FSCC, ठीक है। कमिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इसने इसके कमिटी के अध्यक्ष के रूप यानी किसको इसका अध्यक्ष बनाया है,
ठीक है, क्या बनाया है? अध्यक्ष। अमित मेहता को नहीं बनाया है, रीता को नहीं बनाया है, अरुण सिंघल को बनाया है। बिल्कुल सही आंसर है, मनोज जोशी नहीं है, सुधीर कुमार नहीं है। तो हाल ही में FSCC का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो अरुण सिंघल साहब को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरुण सिंघल साहब को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरुण सिंघल साहब को बनाया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू फॉर्म फूड सेफ्टी को कोऑर्डिनेशन कमिटी, FSCC। ठीक है, FSCC विल मैनेज फूड सेफ्टी इमिग्रेंसीज इन द कंट्री। FSSAI CEO अरुण सिंघल विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ FSCC। और इसमें कितने मेंबर होंगे? 15 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। अब देखो क्वेश्चन आ गया, केरलास फर्स्ट सीएनजी पावर्ड स्मार्ट बस सर्विस वाज रिसेंटली स्टार्टेड इन। केरला की पहली सीएनजी संचालित स्मार्ट बस सेवा हाल ही में किस शहर में शुरू की गई? आंसर है कोच्ची। कहां पे शुरू की गई है? कोच्ची में। कहां पे शुरू की गई है? कोच्ची में। तो केरल सरकार ने हाल ही में कोच्ची में ये सेवा शुरू की है। ठीक है, अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में, तो केरलास फर्स्ट सीएनजी पावर्ड स्मार्ट बस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन कोच्ची स्मार्ट बस कंसोर्टियम इन कोच्ची। ठीक है, कोच्ची स्मार्ट बस कंसोर्टियम कंसिस्ट ऑफ स्टेज कैरियज बस ऑपरेटिंग कंपनीज। ठीक है, और कोच्ची स्मार्ट बस कंसोर्टियम गॉट बेस्ट सिटी बस अवार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें तो इसके जो मंत्री हुए हरदीप सिंह, कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दें, आपको यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए, पी विजयन। क्या पता है? पी विजयन साहब हैं। ठीक है, पी विजयन साहब हैं। और अगर हम बात करें राज्यपाल, तो महामहिम है भैया। कौन है राज्यपाल महामहिम में? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान साहब है। दीप शर्मा कोच्ची आ गए भाई। कहां चले गए थे दीप शर्मा सर? चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन भारत में नव बैंकिंग मंच लॉन्च करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म। व्हाट इज नियो बैंकिंग? अभी पहले तो हम आपको आज समझाएंगे नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है। ठीक, तो कौन से बैंक लॉन्च करेगा ये समझ लेते हैं। नियो बैंकिंग क्या है? एक वर्चुअल बैंक है। कैसा बैंक है? वर्चुअल बैंक है। वर्चुअल बैंक है, इसमें कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं होती, यानी नो बैंक ब्रांच। ठीक है, नो बैंक ब्रांच, इसमें कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं होती है। अ बैंक दैट इज एंटायरली ऑनलाइन रादर देन द फिजिकल। ये पूरा बैंक कैसा होगा? अ बैंक एंटायरली ऑनलाइन। ये कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, फिजिकल कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, फिर लिखा है न्यू बैंक आर चीपर फास्टर एंड दे कैन इंटीग्रेट इन द एंटायर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अंडर द सिंगल प्लेटफॉर्म। ये पूरी सेवा एक ही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? एक ही प्लेटफॉर्म। जैसे आपने सुना होगा, मान लीजिए ये एक अम्ब्रेला है। क्या है? अम्ब्रेला। ठीक, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरी बैंकिंग सेवाएं इसी प्लेटफॉर्म के अंदर रहेंगी, और ये कैसा होगा? ऑनलाइन। तो आज आप समझ गए हो कि नियो बैंकिंग, अगर कहीं भी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? नियो बैंकिंग, तो आप समझ जाओगे दैट इज कॉल्ड वर्चुअल बैंक। कौन सा बैंक? वर्चुअल। तो ये बैंक आपको फिजिकली कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ऑनलाइन पूरी तरह से काम कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? बीओबी में भी नो, इट इज अ डीएसबीएम बैंक ऑफ इंडिया। SBM बैंक ऑफ इंडिया। SBM बैंक जो क्या है? SBM सिंगापुर का बैंक है। कहां का है? सिंगापुर का है। ठीक है, सिंगापुर का बैंक है, और वो भारत में पूरी तरह से नियो बैंकिंग, नहीं सॉरी, सिंगापुर नहीं, मॉरिसस का बैंक है। कहां का बैंक है? मॉरिसस का। कहां का है? मॉरिसस का बैंक है, और ये पूरी तरह से क्या करेगा? पूरी तरह से ये क्या करेगा? वर्चुअल बैंक चलाएगा नियो बैंकिंग के थ्रू। किसके थ्रू? नियो बैंकिंग। तो अगर हम बात करें एनईओ बैंकिंग, ठीक है, नियो बैंकिंग समझ में आ गई पूरी तरह से। कैसी बैंकिंग होंगी? वर्चुअल। अब देखो ऑप्शन क्या लिखे, बैंक ऑफ अमेरिका, यानी बैंक ऑफ अमेरिका बैंक इंडिया, यानी बैंक ऑफ अमेरिका की इंडिया बैंकिंग बिजनेस। HSBC की BC यानी हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, यानी HSBC का जो काम बैंक जितना बिजनेस इंडिया में कर रहा है उसकी बात हो रही। बीओबी इंडिया, नन ऑफ दीस। तो आंसर होगा SBM। क्या होगा? SBM होगा। ठीक है, और SBM का मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिसस। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिसस। सो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। अगस्त 2020 में SBM बैंक हैज लॉन्च ग्लोबल बेस्ड रिकरिंग डिपॉजिट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका नाम था निवेश, इन पार्टनरशिप विद
फिनटेक पे नियर बाय के साथ, किसके साथ पार्टनरशिप में उसने किया था 2020 में, फिनटेक पे नियर बाय के साथ उसने एक रिकरिंग डिपॉजिट प्लेटफॉर्म, ग्लोबल बेस्ड रिकरिंग डिपॉजिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम था निवेश। क्या नाम था? निवेश। ठीक है, आगे बढ़े। आरबीआई ने हाल ही में कितने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स के प्रमाणीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया? बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है। और अगर हम बात करें तो कितने बैंक, फटाफट बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ हाउ मेनी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हाल ही में आरबीआई ने 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का एग्रीमेंट क्या कर दिया है, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन COA, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया है। क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। ठीक है, जिसमें आता है एयरसेल स्मार्ट मनी, दिल्ली मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम, पायरो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, कार्ड प्रो सॉल्यूशन, इन कैश मोबाइल वॉलेट। ये 5 वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जिनको हाल ही में आरबीआई ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया। ठीक है, तो आरबीआई हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ 5 पेमेंट ऑपरेटर सिस्टम ऑपरेटर्स फॉर डिफरेंट रीजंस। उन्होंने डिफरेंट रीजंस दिए हैं, स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है। द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स वर इशूड COA टू ऑपरेट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए फटाफट भाई, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड करने या स्ट्रीमिंग करने और एफडीआई को 26% तक कम करने के लिए 26% से अधिक एफडीआई शामिल करने वाली कंपनियों के लिए समय सीमा क्या रखी गई है, समय सीमा क्या रखी गई है। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया समझा देते हैं, हम यहाँ पे खाली जगह यहाँ समझा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एफडीआई होता क्या है, आपको हम हमेशा बता चुके हैं, हमेशा बताता हूं, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अरविंद मायाराम ने कहा था कि किसी भी बिजनेस में, ये क्या है, भारत का कोई बिजनेस है, और इसके 10%, इसके 10% या उससे ज्यादा का निवेश कोई भी विदेशी करता है, कौन करता है, विदेशी करता है, तो उसे कहा जाता है एफडीआई। और हर एक क्षेत्र में, एवरी सेक्टर हर एक सेक्टर में क्या है, एफडीआई की लिमिट है। क्या है? एफडीआई। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100%, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, 100% है। ठीक है, आपने सुना होगा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आपने सुना होगा जब एनपीए पैसा हो जाता है तो बैंक अपने एसेट्स को ही बेच देते हैं, और जो कंपनी एसेट्स खरीदती है उसको क्या करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्हें कहा जाता है एआरसी। तो ऐसी कोई विदेशी कंपनी बन सकती है क्योंकि 100% एफडीआई है। फिर आपने सुना होगा कि बैंकिंग में, प्राइवेट बैंक में, अगर कोई प्राइवेट बैंक की बात करें तो उसमें कितना निवेश कर सकता है, 74% विदेशी पैसा लग सकता है। और इसका एक एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को कहा जाता है देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन इसमें 74% पैसा किसका लगा, विदेशियों का। और अगर पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक की बात करें, किसकी बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम 20% पैसा ही कोई विदेशी लगा सकता है या विदेशी एंटिटी लगा सकती है। तो इसी प्रकार जो क्या है, जो सोशल मीडिया है, जो क्या है, प्रिंट मीडिया होती है और एक होती है ऑनलाइन मीडिया, तो जो ऑनलाइन मीडिया वाला कार्यक्रम है, मीडिया वाला कार्यक्रम है, इसमें जो एफडीआई लिमिट है वो 26% सेट कर दी। कितनी कर दी है? 26%। अब जितने लोगों का 26% से ज्यादा पैसा लगा था उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस करके कितने परसेंट तक लाना पड़ेगा? 26% तक। कितने परसेंट तक लाना पड़ेगा? 26% तक। और इसकी जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 15 अक्टूबर 2021। कितनी दी गई है? 15 अक्टूबर 2021 तक। यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 15 अक्टूबर 2021 तक वो निवेश कम करके कितने परसेंट तक लाना है? 26% तक। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा 12 उपायों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित नहीं किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के हिस्से के रूप में है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ECLGS 2.0 फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, बिल्कुल सही आंसर है। 18,000 करोड़ फॉर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, बिल्कुल दिया गया है, लेकिन यह दिया गया है ग्रामीण के लिए। किसके लिए दिया गया है? ग्रामीण के लिए। किसके लिए दिया गया है? ग्रामीण के लिए, अर्बन के लिए नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। सो जो आंसर है वो बी है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया था, तो आंसर बी वाला गलत है। फिर नीचे
10,000 करोड़ फॉर पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, बिल्कुल सही है। 3,000 फॉर एग्जिम बैंक, बिल्कुल अभी हमने पढ़ाया है पिछली दो क्लासों में। 900 करोड़ फॉर R&D ऑन कोविड वैक्सीन, 900 करोड़, ये भी मैंने पढ़ाया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन के लिए दिया गया है 900 करोड़। और मेरे ख्याल से शायद 900 करोड़ की दो किस्त दी गई है, शायद दो किस्त दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट फिक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट एट 4%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है कि 4% का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, समझ लीजिए क्या होता है। पहले काय पे नापा जाता था, WPI पे, अब नापा जाता है CPI पे। ठीक है, WPI पे क्या होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल के आधार पे आपकी महंगाई दर को नापा जाता था। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, दैनिक दिनचर्या में उपयोग की जाने वाली चीजें, दैनिक दिनचर्या में उपयोग की जाने वाली चीजों को यहाँ पे काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो हम दूध की बात करें, तो मान लो परसों तक दूध 55 रुपए था, आज 56 हो गया, तो वो 1 रुपए का इफेक्ट पड़ा आपके जीवन पे, बिल्कुल पड़ा। आप देखो किराया बढ़ गया, क्या बढ़ गया, किराया बढ़ गया, तो वो भी इफेक्ट पड़ा, लोकल कन्वेंस बढ़ गया। तो ऐसे जो डेली जो कंजम्पशन वाली चीजें हैं उसके आधार पर जो इन्फ्लेशन नापा जाता है उसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स पे नापा जाता था, लेकिन उर्जित आर पटेल साहब ने कहा था कि भारत में महंगाई का सही परिदृश्य, क्या कहा था, भारत में महंगाई का सही परिदृश्य WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक पर प्राप्त नहीं होता है। तब उर्जित आर पटेल की रिकमेंडेशन पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे लाया गया भारत में इन्फ्लेशन को नापना, और टारगेट रखा गया कि इन्फ्लेशन 2% से कितने परसेंट के बीच में रखेंगे, 6% के बीच में, कौन सा रखेंगे, सीपीआई, कौन सा रखेंगे, सीपीआई। ठीक है, तो अब देखो जो जो 4% का टारगेट सेट किया गया था वो 2016 में सेट किया गया था, किस पे किया गया था, 2016 में। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं आगे। गवर्नमेंट सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेटेड ऑफ 4% इज वैलिड टिल March 31, 2021, यानी ये 4% का टारगेट कब तक वैलिड है, 31 मार्च 2021 तक। एंड इट हैज टेकन नो कॉल येट ऑन कंटिन्यूइंग विद द सेम टारगेट और फिक्सिंग अ न्यू टारगेट। ठीक है, अभी यही वाली बात है। इन August 2016 द गवर्नमेंट नोटिफाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेटेड ऑफ 4% विद एन अपर लिमिट ऑफ 6% एंड लोअर लिमिट ऑफ 2%, यानी 2% मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 6% के बीच में रखें। अब 2% से भी नीचे गिर जाएगा तो क्या जाएगा, डिफ्लेशन की कंडीशन बन जाएगी, कहेगी डिफ्लेशन। ये तो सबको पता ही होगा ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब क्या होता है। देखो जब बाजार में कीमतें ऊपर बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। ठीक, अब सरकार क्या करती है, कीमतों को सामान्य दर पे लाने का प्रयास करती है, तो जब सरकार ये जो प्रयास करती है तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन, क्या कहा जाता है, डिसइन्फ्लेशन। इतना समझ में आया, अगर ये कीमतें स्थिरता के नीचे चली जाए तो इसे कंडीशन कहते हैं डिफ्लेशन, क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तब सरकार प्रयास करती है कि महंगाई बढ़े, तब सरकार महंगाई बढ़ाती है और इसे कहा जाता है रिफ्लेशन, क्या कहा जाता है, रिफ्लेशन। और फिर अगर बाजार में कीमत बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। कभी कभी क्या होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों एक साथ दिखाई देता है, और जब ये दोनों एक साथ, ऐसे आना चाहिए एक्चुअली ये ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशन यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ दिखता है तब इसे कहा जाता है क्या, स्टैगफ्लेशन, क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर बेरोजगारी बढ़ रही हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर बेरोजगारी बढ़ रही हो तो उस कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ओके, आओ आगे। NTPC लिमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ क्या लिखा, प्रक्योरिंग हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ बायोमास पैलेट्स मेड फ्रॉम फार्म स्टबल। NTPC लिमिटेड ने खेत के मल, यानी जो खेत का मल का मतलब वो मल नहीं जो आप सोच रहे हैं, खेत का मल मतलब जो खेत के अंदर फसल काटने के बाद बचता है, फसल काटने के बाद जो बचता है, जिसको नहीं कहते पराली कहते हैं, क्या कहते हैं, पराली, पराली की बात हो रही है यहाँ पे, इसको मल काट के खेत के पराली की बात कर रहे हैं, किसकी बात, पराली। ठीक, पराली से बने हाउ मेनी मिलियन बायोमास प्लेट पैलेट खरीदने की प्रक्रिया में है, तो ये 5 मिलियन, कितना, 5 मिलियन बायोमास पैलेट, 5 मिलियन टन बायोमास पैलेट खरीदने जा रहा है कौन, NTPC, कौन खरीदने जा रहा है, NTPC। ठीक है, कौन खरीदने जा रहा है, NTPC। ठीक, इसी के रिगार्डिंग एक अगला क्वेश्चन है, ICAR गन्ना प्रजनन, क्वेश्चन आगे तो नहीं निकल गया, ठीक है, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मान
दिया गया या नवाजा गया। यह संस्थान कहां पे? ये कोयंबटूर में है। कहां पे है? कोयंबटूर में। कहां पे है? कोयंबटूर पे। आईसीएआर कहां पे? कोयंबटूर में। और इनके साइंटिस्टों को क्या दिया गया है? जल पुरस्कार 2019 दिया गया है। क्या दिया गया है? जल पुरस्कार 2019। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम आईसीएआर सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयंबटूर वॉज बॉर्न नेशनल वाटर अवार्ड 2019 फॉर डेवलपिंग सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर डेवलप करने के लिए इनको दिया गया है जल राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019। The team has developed SMI, भाई soil moisture indicator, that is a small user friendly device to help farmers with efficient irrigation management, यानी efficient सिंचाई की व्यवस्था को बनाए रखती है। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है तो आप मार पानी दिए पड़े हो, जमीन अंदर से गीली है, ऊपर सूखी दिख रही, आप इंजन चलाए पड़े हो, आप ट्यूबवेल चलाए पड़े हो, तो ऐसी इसको तकनीक में बदल दिया उन्होंने, सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर बना दिया और उसको दे दिया किसानों को। वो यूजर फ्रेंडली भी है और उससे किसान क्या पता कर पाएंगे कि उनके खेत को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है, है या नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े। नाउ अगला क्वेश्चन, इथेनॉल की खरीद स्वदेशी आपूर्ति से नहीं की जा सकती जो निम्नलिखित फीड स्टॉक में से की जाती है। मतलब इनका कहना, इथेनॉल जो प्रिजर्वमेंट है कैन नॉट बी डन फ्रॉम इंडिजीनियस सप्लाई। ठीक है, इंडिजीनियस सप्लाई से नहीं कर सकते। सो मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फीड स्टॉक। ठीक, इनने कहा है, देखो सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिससे ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। सो देखो, अभी हाल ही में ये बताया गया कि 100% सुगर केन जूस से भी बन सकता है, सी हैवी मोलासेस से भी बन सकता है, सरप्लस राइस फ्रॉम एफसीआई से भी बन सकता है और मेज यानी मक्का से भी बन सकता है। तो ग्राउंड नट की बात अगर करें तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता, ये इस कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, समझ में आई बात? आंसर समझ में आया? नहीं आता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल सून स्टार्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ इथेनॉल मेड फ्रॉम मेज। मेज यानी मक्का वाला भी शुरू कर देंगे। द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू अचीव 10-20% 10-20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2022 and 2030। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इथेनॉल, अब आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि 20 और 80 की बात हो रही है, 20% और 80% की बात हो रही है। कितने परसेंट? 20% और 80% की बात यहां पे हो रही है। इथेनॉल प्रोक्यूरमेंट कैन बी डन फ्रॉम इंडिजीनियस सप्लाईज मेड फ्रॉम 100% सुगर केन जूस, सुगर सिरप और सुगर, सी हैवी मोलासेस, सरप्लस राइस फ्रॉम एमसीआई, डैमेज फूड ग्रेन्स, बी हैवी मोलासेस एंड मेज। ठीक है, सो इन सब से होता है, यहां कहीं पे भी आपने देखा होगा ग्राउंड नट का नाम नहीं है। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का क्लास करने के लिए मेरा धन्यवाद। और आप मेरे सेशन को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को सजेशन देना ना भूलिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं है तो मैं फिर कहीं स्टे नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दो क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आना तो आप अरविंद शुक्ला ARS50 का यूज कर सकते हैं और 10% का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। अगर आप हमारे कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं, डिफेंस की कर रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीदिए, बट अगर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो सब में आता है, ठीक, तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप उसकी तैयारी करिए, आप खरीदिए, उसमें मेरा कोड लगा दीजिए, मेरा कोड है ARS50। बस ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, है ना। और आप अगर नहीं खरीदना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ा, यानी फ्री भी पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे आपको स्टैंडर्ड ही पढ़ाऊंगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा पेड और अनपेड में। ठीक है, सो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके अरविंद शुक्ला सर के साथ जुड़े रहिए, आपके साथ मेरा योगदान इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आपका योगदान इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड नाइट, सब्बा खैर, ठीक, कल सवेरे 8:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। नाउ थैंक यू वेरी मच।